आपको एक बंदे ने कहा कि आप जेल से ना जाएं, मेरा आपके साथ दिल लग गया। वो वहाँ पे एक था लड़का, तनकीद सहनी पड़ी है टिकटॉकर्स को, बड़ी जलालत हुई है टिकटॉक पे। सर ये जोड़ देते हैं नाम उनके साथ, बड़ी जलालत उनके साथ बोला सबके साथ। नहीं नहीं मुझे बताएं कि टिकटॉकर कोई के अली बर्गर आला, अली माइक आला, नहीं नहीं नानी के बुजुर्ग कोई, हाँ। नदीम अबू वाला, नदीम अम्मी वाला, नदीम नानी वाला, अच्छा है आपको आपके खानदान से हम मुंसलिक कर रहे हैं। तो सर आपने बड़े आईफोन बांटे हुए हैं, तो वो उसमें कितनी की सदाकत है? हम तो उसको गेम ही समझते हैं कि एक ही आईफोन रखा हुआ है, कभी इसको पकड़ा दिया कभी उसको पकड़ा दिया। डोली तो वैसे भी मेरी अपना अम्मी की उम्र की है, मैंने आपकी क्या एज है? मेरी तो है कि बहुत कम एज, लेकिन डोली तो मुझसे क्या एज है आपकी? 3 गुना बड़ी है। आप एज क्यों छुपा रहे? मेरी 16 यही है। 16-17 आईफोन को हमें भी मिल सकता है? आईफोन मिल सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो लोगों को पता है, नीचे कमेंट्स में लिख देंगे, वो आप कर लोगे तो आईफोन मिल जाएगा। दिल बढ़ाना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, दिल ही बड़ा होना चाहिए। हाँ दिल बढ़ाना चाहिए आपका। नाज़रीन आईफोन लेने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए और देने के लिए भी दिल बड़ा होना चाहिए। जल्दी फिर नहीं गई नदीम भैया, तो नहीं गई आईफोन गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इस वक्त मशहूर टिकटॉकर नदीम नानी वाला, जिनका पूरा नाम नदीम मुबारक है, उनके घर में मौजूद हैं। आपने इनकी अक्सर वीडियोज़ वायरल देखी होंगी, अक्सर ही खबरों की जीनत बने रहते हैं, कभी आईफोन बांट रहे होते हैं, कभी किसी को दुबई ले जाते हैं, कभी यूके ले जाते हैं। क्या मामला था, कितना का पैसा है इनके पास? आइए आज हमने इनके घर पर रेड मारी है। एक तो ये गेम खेलते हुए पकड़े गए हैं, और क्या इनके फ्यूचर प्लान है, क्या मामला था, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नदीम भाई खेलनी भी आती है बस मेरी तरह ही? नहीं आती है, कल दिए फिर नहीं गई नदीम भाई, ये तो नहीं गई, आईफोन गया। अच्छा नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नदीम भाई कब से कर रहे हैं टिकटॉक? आई थिंक जब से आई है तब से, मतलब कि 2.5-3 साल हो गए? 2 साल 2.5 साल। हाँ सर, बड़ी तनकीद सहनी पड़ी है टिकटॉकर्स को, बड़ी जलालत हुई है टिकटॉक पे। सर ये वो जोड़ देते हैं नाम उनके साथ, बड़ी जलालत उनके साथ बोला सबके साथ। नहीं नहीं मुझे बताएं कि टिकटॉकर मुझे बताएं कि टिकटॉकर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? टिकटॉक बनने के लिए अपना अंदर मारना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि वो जो बातें मशहूर हुई हैं वो ठीक है? नहीं बस अंदर मानना ज़रूरी है कि आपको तनकीद बहुत आसानी पड़ेगी टिकटॉक पर कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। नदीम भाई मुझे ये बताएं कि जिस्म में ऐसी क्या चेंजिंग आती है कि आप उठते हैं तो आपको लगता है कि अब मैंने टिकटॉकर बनना है? ऐसे टिकटॉकर बनना है, मतलब कैसे पता लगता है कि क्या मेरे में चेंज आएगा कि मुझे पता लगेगा कि यार मैं टिकटॉकर बन सकता हूँ? असल में टिकटॉक इजी है, लोग समझते हैं कि सेल्फी लोग खेलेंगे लोगों के साथ, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बड़े आईफोन बांटे हुए हैं, तो वो उसमें कितनी की सदाकत है? हम तो उसको गेम ही समझते हैं कि एक ही आईफोन रखा हुआ है, कभी इसको पकड़ा दिया कभी उसको पकड़ा दिया। मैंने गेम नहीं, रियल आईफोन दिए हैं और इसके एविडेंस हैं और लोग मानते हैं कि अगर किसी ने आईफोन देना तो नानी वाले ने देना, बाकी सारे फ्रॉड ही करते हैं। सर आईफोन 2.5-3 लाख रुपए यार, 5 लाख का भी हो, हमने जब देना है हमने देने ही देना। कैसे सोर्स? क्यों सोर्स क्या, इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या? सोर्स की जरूरत नहीं है, बस देना तो देना है। अच्छा माशाल्लाह अमीर आदमी है? नहीं अमीर छोड़ो, बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन देना ही है। मतलब किसी को देने के लिए पैसे होने तो जरूरी है ना? किसी को देने के लिए पैसे ही होना नहीं, किसी को देने के लिए दिल का होना बहुत जरूरी है। वाह नदीम भाई ने क्या ही बात कर दी है कि किसी को कुछ देने के लिए पैसों का होना ज़रूरी नहीं है, दिल का होना ज़रूरी है। अच्छा नदीम भाई मुझे बताएं कि टिकटॉकर्स का मुख्तलिफ लोगों के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, आपका भी कई लोगों के साथ नाम जोड़ा? ना मेरा नहीं किसी का। किसी खतून के साथ या किसी मर्द के साथ? नहीं मेरा। हीरा खान के साथ मैंने देखा एक बार, और डोली के साथ? नहीं वो तो इसका शुगल था, वो तो वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ शुगल। डोली तो वैसे भी मेरी अपना अम्मी की उम्र की है, मैंने आपकी क्या एज है? मेरी तो है कि बहुत कम एज, लेकिन डोली तो मुझसे क्या एज है आपकी? 3 गुना बड़ी है। आप एज क्यों छुपा रहे? मेरी 16 यही है। 16-17 ना करें यार नदीम भाई। टिकटॉक पे असल में टिकटॉक का फायदा ये है कि टिकटॉक पे आपकी उम्र बढ़ती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये तो हमने सुना है कि खवातीन की उम्र नहीं बढ़ती, लड़कों की टिकटॉक में उम्र बढ़ती नहीं है। अच्छा अभी आपका एक मसला चल रहा है, वो क्या मसला है आपको? मैं सुना है रात जेल में भी रहना पड़ा है। रात बस अच्छी गुजरी और कुछ भी नहीं। कैसी रात थी? अच्छी रात है, जिसने ड्रामा किया वो खुद ही एक्सपोज हो गया। जेल में कोई फ़ैन मिला? सारे ही फ़ैन थे यार, कसम जेल में वाकई फ़ैन थे। मैंने सुना है कि आपको एक बंदे ने कहा कि आप जेल से ना जाएं, मेरा आपके साथ दिल लग गया। वो वहाँ पे एक था लड़का,
जो कि हेल्पर था वहाँ पे, वो रोने लग गया था, कहता कि अगर आप चले गए तो मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ पे। दो दिन में ऐसा क्या लगाओ? लोगों को मुझसे मोहब्बत हो जाती है, लोगों को मुझसे दिल लग जाती है जब लोग मुझसे मिलते हैं तब। सर अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने चला हूँ कि नदीम नानी वाला, नॉर्मली मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा नाम या मेरा कोई उल्टा नाम मशहूर हो, जैसे कि मुझे कोई के अली बर्गर वाला, अली माइक वाला। नहीं नहीं नानी बुजुर्ग कोई नदीम अबू वाला, नदीम अम्मी वाला, नदीम नानी वाला, अच्छा है आपको आपके खानदान से हम मुंसलिक कर रहे हैं। तो सर मैंने सुना है कि आपकी नानी आपके लिए बड़ी लकी साबित हुई, उससे पहले आपके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। नहीं मैंने पहले ही बनाई सिर्फ दो वीडियोस थी, मैंने कभी बनाई नहीं, तो वो तो नानी के साथ मैंने शुक्र लगाया तो वो काफ़ी चला। नानी को पता था कि ये क्या हो रहा है, या नानी को पता कि वो किस कदर मशहूर है? नहीं उनको नहीं पता। सर आईफोन को हमें भी मिल सकता है? आईफोन मिल सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो लोगों को पता है, नीचे कमेंट्स में लिख देंगे, वो आप कर लोगे तो आईफोन मिल जाएगा, सिंपल सी बात। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? और डरने वाली बात नहीं है, आप अमल करो। क्या करना है उसमें? क्या करना पड़ेगा? वो एक हिडन, वो कहते हैं कि हिडन हिडन ट्रूथ, हिडन ट्रूथ है वो उसके लिए जाना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपका दिल बढ़ाना चाहिए, दिमाग खुलाना चाहिए। दिल ही बड़ा होना चाहिए? हाँ दिल बढ़ाना चाहिए आपका। नाज़रीन आईफोन लेने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए और देने के लिए भी दिल बड़ा होना चाहिए। ये नदीम मैंने बताया है। नाज़रीन ये ऑफ द रिकॉर्ड एक गुफ्तगू चल रही है नदीम भाई के साथ, और यकीन माने आपको अगर मैं बताऊँ, नदीम भाई मैं बहुत से टिकटॉकर्स को मिला हूँ, बहुत से टिकटॉकर्स को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी प्योर सोल ये बंदा है ना, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा नदीम भाई, डकी भाई ने शुरू में आपको बड़ा ना रोस्ट वोस्ट किया और बड़ी आपकी क्लास लिया करता था, अब आपका बड़ा दोस्त है। नहीं वो परमिशन थी, क्योंकि जब आप किसी के साथ कोई मिलके शुगर लगाते हो उसका मज़ा भी आता है, अगर आप बगैर परमिशन के लगाओगे तो फिर दोस्ती नहीं होगी, अच्छा दोस्त है भाइयों जैसा है। और जो बगैर पूछे शुगर लगाने की कोशिश करते वो गलत है। आपकी बाकी 16-17 साल उम्र है? 17 साल की उम्र है, क्योंकि टिकटॉक पे उम्र नहीं बढ़ती। अच्छा हाँ जी, टिकटॉक के मुताबिक बता रहे हैं। अच्छा लास्ट मुझे ये बता दें कि अभी कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी उस स्ट्रगल में हैं या अभी पढ़ाई लिखाई की तरफ? मैं 9 साल पहले से ही कारोबार में। कारोबार कर रहे हैं, क्या कारोबार करते हैं आप? यही इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या इलेक्ट्रॉनिक, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं? आईफोन्स एप्पल्स वगैरह। अच्छा नाज़रीन नदीम भाई बता रहे हैं कि एप्पल शैपल के आईफोन बेचते हैं। और सर मुझे बताएं कि शादी वादी भी कर रहे हैं? एक सेकंड जी, शादी वादी भी कर रहे हैं? 17 साल के बच्चे की शादी होती नहीं, आपको पता तो है, टिकटॉक भेज ना, टिकटॉक ने मेरी एज बढ़ने देनी है और ना मेरी शादी होनी है, मतलब टिकटॉकर्स की शादी नहीं हो सकती। नहीं नाज़रीन बड़े अहम अहम इंकशाफात किए हैं जी। आई डी कार्ड? अच्छा कोई आई डी कार्ड? अच्छा बिल्कुल नहीं शादी करनी? नहीं नहीं आई डी कार्ड अभी मेरा नहीं। कोई बयाना व्याना, कोई शादी की रस्म और रसूमात? नहीं नहीं अभी टिकटॉक अल्लाह करे टिकटॉक मेरी उम्र बढ़ाए तो फिर को देखेंगे। अभी आईडी कार्ड बना हुआ आपका? आईडी कार्ड नहीं सर, पासवर्ड बना हुआ है। अच्छा नदीम भाई सीरियस नोट पेंट करना चाह रहा हूँ, मैंने सुना आपके वालिद साहब की डेथ हुई है। बिल्कुल ऐसे। कितना अर्सा हुआ है? तकरीबन 2 महीने हुए। कुछ लोग इसको लेकर भी मजाक बनाना चाह रहे थे, फिर उनके लिए क्या कहेंगे? शर्म आनी चाहिए उनको बस। वालिद साहब का क्या बैकग्राउंड था? मैंने सुना है कि बहुत शरीफ आदमी थे, इंतहाई नाइस आदमी थे, लेकिन कुछ मसाइल से दो चार थे, साल में फंस गए, किसी के मसाइल में फंस गए, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी के अपना मसले में कूद पड़ना, यही चक्कर था बस। और उस वजह से मैं सुना काफ़ी अर्सा जेल रहना पड़ा। लेकिन वो बाहर आ गए थे, लेकिन फिर उनका लीवर का मसला बन गया, लीवर की वजह से उनकी डेथ हुई। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन ये थे नदीम नानी वाला अलमारूफ नदीम मुबारक, उनके घर में मौजूद हैं, गेम खेल रहे हैं, अब देखते हैं ये गोटी जाती। नदीम भाई वाकई आप सीख रहे हैं, आपने स्टार्ट में कहा था कि मैं सीख रहा हूँ और आप वाकई ही सीख रहे हैं। नदीम भाई बहुत ही एक प्योर सोल के आदमी हैं, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और यकीन माने पहली बार किसी टिकटॉकर से मिला हूँ जिससे मिल के अच्छा लगा हो। और मैंने इनका इंटरव्यू किया नियो टीवी चैनल के लिए, इन्होंने बताया कि जो लोग कहते हैं कि अगर टैलेंट नहीं है तो मैं मानता हूँ ये टैलेंट नहीं है, मैं सिर्फ शुगर मेला लगाना आता हूँ और अगर लोग मुझे उसकी वजह से पसंद करते हैं या उस पर लोग इंगेज होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बड़ा एक अच्छा मुनफरिद इंटरव्यू किया है नदीम भाई के साथ, राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।